Hello and welcome to all on the course study official YouTube platform. So today we are going to start with the new mathematics chapter called as the maxima and minima, and it is one of the important engineering mathematics chapter. You can say that because here we are going to uh, going to start with the maxima first part one, and also the minima. It is related with your uh, you can say that the differentiation chapter also, and you have also learned this topic in the class 12th a basic one okay the basic one you have learned in the class 12 but in the engineering section if you consider it. so it will go into the deeper section as you go start learning the maxima and minima part so uh, today is the introductory course of maxima and minima i'm going to complete this course as we have completed the important topics of complex number i have already completed that one and if you haven't watched go into the description section and you will find the playlist link go and check it out now okay and if you are first at this channel please subscribe hit the notification bell so that you can get all the youtube videos okay so we are we are gonna start with the uh, basics of maxima and minima related with your class 12th first because many of the students have weakened in the certain topics of maxima and minima so we will first complete those and then move to the higher section so first thing is that uh, comes into the mind that what is actually a maxima okay what is actually a maxima and what is actually a minima सो तो अगर मैं सिंपल वर्ड में भाषा की अगर मैं बात करूँ एकदम सिंपल वर्ड में तो सपोज़ कोई एक फंक्शन है ओके okay? सपोज कोई एक फंक्शन है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ओके okay? सपोज़ कोई एक ऑफ ऑफ एक्स है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चलो मान लेते हैं कोई पॉइंट है जो एक्स है एक्स इजिक्वल्स टू ए है ओके okay? क्योंकि जो फंक्शन है मेरा मेरा जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल एक्स uh, को होल्ड करता होगा पक्का है कि एफ ऑफ एक्स है तो कहीं ना कहीं एक्स को है वो वेरिएबल होल्ड करता होगा और किसी एक्स इज इक्स टू ए पॉइंट पर ओके okay? उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रही होगी ओके सपोज उस उस uh, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सेवनटीन होगी ओके लेट लेट मान लेते हैं कि सत्रह होगी तो वो जो है मैक्सिमर वैल्यू होगी तो वो ये वाला जो पॉइंट है एक्स इजिक्वल्स टू ओ इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन ओके सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मैं किसी फंक्शन की बात कर रहा हूं ओके okay? कोई भी फंक्शन ले रहा हूं तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि किसी भी फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके मैं हमेशा डोमेन में बात करूँगा ओके सो द फर्स्ट थिंग दैट कम इन माइंड इज़ वॉट इज़ एक्चुअली डोमेन ओके तो डोमेन भी क्या होता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं देखिए सपोज़ अगर मैं किसी आ, एंगल की चलो बात कर लेता हूँ यहाँ पर डोमेन की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा चलो एंगल की बात कर लेते हैं सपोज मैं मान करके चल रहा हूँ कि चलो कोई एक साइन थीटा है ओके okay? मान लेते हैं कि चलो एक साइन थीटा है और साइन थीटा हमें मालूम है कि उसकी जो वैल्यूज़ होती है साइन जीरो इज़ ज़ ज़ीरो नाइन्टी जो हो रहता है वो वन होता है ओके okay, तो एक्चुअली देखिए तो सबसे पहले अगर मैं मान लूँ कि साइन थीटा जो है ओके okay, थीटा यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखिए मेंशन किया यहाँ पर जो मैंने लिखा है थीटा आपको मालूम होगा कि जो साइन एक्स का ग्राफ या फिर जो साइन थीटा का ग्राफ है ओके तो साइन थीटा का ग्राफ है कुछ वो इस तरह सा दिखता है ओके okay, जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है और हमें मालूम है कि ये वाली जो वैल्यू है ओके okay, और ये वाली वैल्यू है ये है वैल्यू आपकी माइनस वन वाई इजिकल्स टू माइनस वन और ये वाली जो वैल्यू है वो वाई इज इक्ल्स टू वन है क्योंकि मैं हम लोग जो जो साइन थीटा वो एक्स एक्सिस पर दर्शा रहे हैं मतलब एक्स एक्सिस की तरफ बता रहे हैं तो ये वाला जो है वो आपका है ऑरिजिन ओके ध्यान से सुनना ये वाला जो है वो ऑरिजिन मैक्सिमम हमें मालूम है कि जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा वो रहेगा वन ओके एक्चुअली सॉरी ये जो है वो प्लस है और ये वाला जो एक्चुअली है वो है माइनस वन ओके अगर आप जिस भी कंसिडर में कर रहे हैं अगर इसे प्लस वाई ले रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस वन और अगर इसे माइनस वाई ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन ओके okay, तो मैं इसे प्लस वाई कंसिडर करके चल रहा हूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं जो देखिए साइन थीटा जो है डोमेन और रेंज में देखिए अंतर होता है सबसे पहले बात ये आप कंफर्म कर लीजिए डोमेन क्या होता है कि सेट ऑफ वैल्यूज जो किसी फंक्शन ले सकता है ओके okay? डोमेन क्या होता है सेट ऑफ वैल्यू जो कोई भी एक फंक्शन ले सकता है लेकिन रेंज क्या होगा अगर किसी भी फंक्शन ने वो सेट ऑफ वैल्यूज़ अक्वायर की हैं ओके okay? जो उसका फाइनल आंसर आएगा वो उसके हमेशा एक पर्टिकुलर रेंज में ही होगा ओके सबसे पहली बात देखिए साइन थीटा जो है साइन थीटा का रेंज क्या होता है रेंज मतलब एक्चुअली देखें तो हमारा होता है वर्टिकल ओके रेंज क्या होता है वर्टिकल पोजिशनों ओके ध्यान से रखिए बस ये एक शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं कि रिविज़न करने के लिए साइन थीटा एक्चुअली देखिए हम हम रेंज से कैसे कंसिडर करते हैं रेंज मीन्स वर्टिकल और आपका जो डोमेन होता है वो ऑरिजेंटल या फिर आप बोल सकते हैं कि फैलाव कितना दूर तक वो ग्राफ फैला हुआ है अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ अगर रेंज में मैं बात करूँ साइन थीटा की रेंज तो साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्चुअली प्लस वन तक ले सकता है मतलब जो हमारा साइन थीटा है वो एक्चुअली प्लस वन तक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर देखिए ले सकता है और मिनिमम कितना ले सकता है माइनस वन ओके मतलब कभी भी अगर ऐसा हुआ सो प्लस वन इज़ फॉर मैक्सिमम वैल्यू एंड माइनस वन इज़ फॉर मिनिमम वैल्यू मतलब कल को साइन थीटा में ओके okay? कल को साइन थीटा में अगर मैं कुछ भी रखूँ मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूँ तो वो जो है हमेशा मुझे माइनस वन से लेकर के वन के बीच में ही वैल्यू देने वाला है आप मुझे कोई भी थीटा ऐसा बता दिए साइन थीटा जो भी कोई भी ऐसा थीटा बता दिए जो हमेशा साइन में रखने के बाद माइनस वन से कम दे जाए और वन से ज़्यादा दे जाए ऐसा कभी भी आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो थीटा वैल्यू रहेगा वो कुछ भी हो जाए वो हमेशा जो है साइन अगर उसका अगर थीटा का लगाते हैं तो हमेशा वो माइनस वन से लेकर के वन के बीच में देगा मतलब एक्चुअली देखिए तो माइनस वन यहाँ पर और जो हमारा है वन यहाँ पर ओके तो ये हो गया हमारा रेंज ओके इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअली रेंज ओके आई होप यहाँ तक का जो है वो क्लियर होता होगा चला ये बेसिक्स है बस एक वंडा है हालांकि ये आपको मैक्सिमम है थोड़ा सा आपका बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ओके तो ये हो गया रेंज अब देखिए डोमेन क्या होता है डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यू जो वो ले सकता है अब ये देखिए ग्राफ देख लीजिए ग्राफ एक्चुअली स्टार्ट हुआ है माइनस इन्फिनिटी से ओके okay? माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पे होगा इन्फिनिटी तक होगा मतलब ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस ग्राफ है और ये स्टार्ट माइनस इन्फिटी से हुआ है एंड भी माइनस प्लस इन्फिनिटी पे जाकर होगा अब मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा मतलब ये जो इसका डोमेन है ओके जो इसका डोमेन है अगर मैं इस चीज़ को डोमेन को लिखूँ यहाँ पर तो साइन थीटा का जो डोमेन हो जाएगा ओके डोमेन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस इन्फिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक तो ये हो गया उसका डोमेन और रेंज क्या हो गया रेंज ऑफ साइन थीटा जो है वो है आपका माइनस वन से लेकर के वन तक ओके ये जो है वो इंक्लूडेड है ओके तो मैं इसे क्लोज़ ब्रैकेट में बना देता हूँ ओके ये जो है एक्चुअली वो एक्सक्लूडेड है क्यों क्योंकि हमें थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी का वैल्यू मानू मालूम नहीं रहता तो हम लोग उसे इस आप बोल सकते हैं कि एक सर्कुलर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देता है और ये हमारा जो रहता है वो एक आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से ओके सर आई होप यहाँ तक का जो है आपका वो क्लियर होता होगा ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो एक्चुअली डिस्कशन रहता है मैक्सिमा का थोड़ा सा बेसिक्स एंड मिनिमा का भी थोड़ा सा बेसिक तो आई होप यहाँ तक का जो है आपका जो अगर मैं बात करूँ डोमेन और रेंज का है फंडा वो क्लियर हो गया होगा सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ कॉस् थीटा के लिए ओके okay? अगर मैं बात करूँ आपका कॉस् थीटा के लिए तो थीटा की वैल्यू कोई भी हो जाए ओके कास्ट थीटा में थीटा की वैल्यू कोई भी हो जाए वो भी मुझे अगर इसका रेंज की अगर मैं बात करूँ की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मुझे माइनस वन से वन तक ही वैल्यू देने वाला है ओके okay? कैसे मालूम चला आप कभी भी आ, कोई भी थीटा का वैल्यू ले लीजिए कॉस् नाइन्टी ले लीजिए थीटा का वैल्यू मैंने नाइन्टी रख दिया लो वैल्यू जीरो हो गई माइनस वन से वन के बीच में ही आ गई फिर अगर अगर आपको और भी क्लियर करना है तो आप ग्राफ से चले जाइए ग्राफ कॉस थीटा का कुछ इस तरीके का होता है ओके ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो वन आता है मिनिमम वैल्यू जो होता है वो माइनस वन आता है और हमारा जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस तक वो रेंज में लेकर के चलता है ओके okay? डोमेन uh, में लेकर के चलता है रेंज होता है वो okay, तो हा, हा, हमारा माइनस वन से लेकर के प्लस वन ओके देखिए तो ये हमारा यहाँ पर हमारा जीरो है यहाँ पर जो हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस है तो कॉस्ट थीटा में भी सेम होता है आपका डोमेन और रेंज ओके okay? तो आई होप यहाँ तक का जो डोमेन और रेंज का फंडा है वो क्लियर होगा हालांकि फंक्शन uh, से रिलेटेड हम बात करेंगे ओके okay? हमारा अभी जो फंक्शन था वो टिक्नोमेटी फंक्शन था लेकिन जरूरी है नहीं कि हमें हमें हर बार जो है वो फंक्शन टिकनोमेटी दिया जाए ये बेसिक्स में ट्वेल्थ में जो है वो ये सब चीज़ें कराई जाती है हालांकि ये जो चीज़ है वो क्लियर फंड आपका क्लियर कर, कर देती है थोड़ा सा आपके डेरी से लेकर के क्योंकि हम बात करते हैं अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करूँ तो हम लोग उसमें फाइंड आउट करते हैं एफ डैस ऑफ एक्स एफ डैस ऑफ एक्स की बात करें तो हम लोग फाइंड आउट क्या करने की कोशिश करते हैं डेरी हुआ ओके डेरी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स गे? तो आई होप यहाँ तो एफ डैश ऑफ एक्स अब आप जान गए होंगे अगर आपको नहीं मालूम है एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है तो आप इसे ब्रैकेट में ऐसे करके कर देख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स ही हमारा डेरीवेटिव ऑफ एक्स होता है ओके तो आई होप यहाँ तक का जो है वो फंड आपका क्लियर होता होगा मूव करते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है वो बेसिक्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा की तरफ ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा की तरफ जस्ट आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं पूरा मैं कवर कराऊंगा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं और ऑलरेडी जो आपका सी प्लस प्लस का जो कोर्सेज चल रहे हैं वो ऑलरेडी रनिंग है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टॉपिक्स कम्प्लीट कराए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड मैंने फिजिक्स का इंजीनियरिंग ई पी वन का भी मैंने आई थिंक फर्स्ट वाला क्वांटम फिजिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है अगर आपने नहीं देखा है गो टू द डिस्क्रिप्शन चेक दी प्लेलिस्ट लिंक और वहां जाकर के आप पूरी अपने कोर्सेस को देख सकते हैं फ्री में अवेलेबल होके अपने बात करते हैं चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमम की ओके तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं लेकर के चल रहा हूँ ओके तो सबसे पहला पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ वो मिनिमम की छिल करके चल रहा हूँ ओके मिनिमा या फिर मैं मिनिमम की बात करूँ तो एक्चुअली होता है क्या है मिनिमम तो चलिए मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक आपका ग्राफ विथ एक्स एंड वाई एक्सिस ओके मैंने ग्राफ ले लेता हूँ विथ एक्स एंड वाई एक्सिस और मान कर के चलता हूँ कि ये जो है वो मेरा फंक्शन है ओके ये क्या है मेरा एक एफ ऑफ एक्स है जो एक फ़ंक्शन है फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी फंक्शन हो सकता है मैंने मान कर ये चला है कि ये मेरा एक पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ओके कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये नहीं मान कर चले कि जो मैंने बनाया यही होगा नहीं वो कुछ भी हो सकता है मैं बस आपको एक सिंपल सा बताने की कोशिश करता हूँ देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो एक्स एक्सिस है ओके ये जो हमारा वाई एक्सिस है अब मैं बताऊ स्टूडेंट ये करता हूँ कि देखिए यहाँ पर कोई सपोज एक पॉइंट है ओके यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है और मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और ये जो पॉइंट है वो है एक्स इजिकल्स टू ए मैंने ये मानकर चला है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स इजिकल्स टू ए है क्यों एक्स इजिकल्स टू ए क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर गिर रहा है हालांकि यहाँ पर वाई भी पॉइंट होगा ओके okay? यहाँ पर वाई भी पॉइंट होगा तो इसका हमारा जो आप बोल सकते हैं कि बनेगा हमारा जो आपको बोल सकते हैं एक्स कॉमा ओके ए कामा वाई बनेगा ओके ए कामा वाई बनेगा तो वाई का अगर मैंने माना होगा तो वाई ले लेंगे लेकिन अभी जो मुझे काम है वो बस सिर्फ मुझे काम है अभी एक्स इजिकल्स टू ए से काम है okay? ओके नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर एक्सजिकल्स टू ए लिया है तो कुछ इसके दूरी पर ओके कुछ यहाँ से कुछ दूरी पर मैं कोई एक्सजिकल्स टू ओके एच पॉइंट मान करके रखा होगा ओके चलो मान लेते हैं कि कही ना कहीं, तो कहीं ना कहीं अगर पॉइंट होगा तो एच पॉइंट कहीं ना कहीं पड़ पड़ा होगा अगर सपोज दैट देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जस्ट वेट मैं एक एच uh, करके मान कर लेकर चलता हूँ सपोज दैट यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ओके और ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारा ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर एक्सजिकल्स टू ए है तो पक्का होगा कि वाला जो पॉइंट है वो ए से छोटा ही होगा ओके तो मैं मान के चल रहा हूँ जो हमारा छोटा गो ए माइनस एच होगा ओके क्योंकि तो एच ए जो ए से तो छोटा होगा तो ए में से कुछ माइनस करेंगे तो हमें पक्का वाला पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा और सेम यही वाला पॉइंट ओके सेम वही यही वाला पॉइंट आप बोल सकते हैं या फिर दूसरा भी पॉइंट ले सकते हैं मैं एक बस आप बोल सकते हैं एक सिंपल के लिए ले रहा हूँ और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो पक्का होगा कि ए से बड़ा ही होगा ओके तो मैं मान के चल रहा हूँ वो ए प्लस एच होगा ओके मतलब सेम वैल्यू से मैं इधर भी बढ़ा रहा हूँ और सेम वैल्यू से मैं लेफ्ट साइड की तरफ घटा भी रहा हूँ अब मेरा जो देखिए एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उस पर मैंने तीन पॉइंट मार्क किए होंगे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको एकदम क्लियरली मेंशन यहाँ पर भी किया हुआ है एक्स इजिकल्स टू पहला पॉइंट ए है एक्स इजिकल्स टू ए माइनस एच एंड एक्स इजिकल्स टू ए प्लस एच तीन पॉइंट है अगर मैं इस चीज़ तीनों पॉइंट को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं एक चीज़ कंक्लूड बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ क्या यहाँ पर मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जिस भी दिन इस फंक्शन में ओके okay, जिस भी दिन इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए रखूंगा ओके okay, मैं लिख देता हूँ ओके okay, जिस दिन भी फंक्शन में मैंने एक्स इजिक्वल्स टू ए रख दिया ओके okay, उस दिन ये जो हमारा फंक्शन है वो लेस देन या फिर इक्वल टू कुछ भी हो सकता है क्यों मैंने इक्वल टू दिया क्योंकि कल को हो सकता है कि ये जो ए वाला एक्स इजिक्वल्स टू ए वो यहीं पर आ जाए ओके okay, वो यहीं पर आ जाए ये भी हो सकता है क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है कि आप पॉइंट कहाँ ले रहे हैं तो मैं लेस देन और इक्वल टू लेकर के चल रहा हूँ तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट आप कहाँ रख सकते हैं लेकिन इतना मुझे ज़रूर मालूम है अगर मैंने कभी भी फंक्शन में एक्स की जगह पर जो भी मेरा फंक्शन दिया होगा एक्स क्यूब वाई एक्स एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस टू ए क्यूब जो भी दिया रहेगा अगर मैं उसे कभी भी उसमें ए की वैल्यू पुट करूंगा ओके तो वो हमेशा मुझे कम देगा ए प्लस एच के कंपेयर में ओके ए प्लस एच के कंपेयर में अब इसे चलो प्रूफ कर देते हैं सपोज दैट मेरा जो एफ ऑफ एक्स है ओके सपोज़ जो है मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है ओके okay? मानने में क्या जाता है एक्स स्क्वायर है तो एक मैं पॉइंट मान रहा हूँ यहाँ पर सपोज ये वाला जो पॉइंट है एक्स इजिकल्स टू टू है और ये वाला जो पॉइंट है वो है एक्स इजिकल्स टू थ्री ओके वाला जो पॉइंट है एक्स इजिकल्स टू थ्री है और ये वाला पॉइंट जो है एक्स इजिकल्स टू टू क्योंकि टू हमेशा थ्री से छोटा होगा तो वो पहले आपको दिखेगा मतलब ए की वैल्यू जो है वो मेरी तीन है आ, दो है और जो बी की वैल्यू है वो है आप बोल सकते हैं कि थ्री है ओके okay? सो so अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है उसे एक बार के लिए पुट करके देख लेते हैं ओके okay? चलो तो एक्स की जगह पर कभी ए ए का वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो टू रख लेते हैं ओके तो एफ इज एफ ऑफ टू तो मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी एक्स मौजूद है वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा टू रख दूंगा तो यहाँ पर एक्स है तो इसको टू टू जो फोर होता है तो यहाँ पर स्क्वायर करके मैं फोर रख दिया ओके ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया वन अब मैं क्या करता हूँ कि एक्स की वैल्यू में तीन पुट कर देता हूँ ओके तो एफ ऑफ थ्री हो जाएगा और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है नाइन आ रही है ओके अब आप कंपेयर करके देख लीजिए जो हमारा एफ़ ऑफ टू है ओके ये देखिए ये लेस देन इक्वल टू है तो मेरा जो सेटिस्फाई कर रहा है वो लेस देन सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ के कंपेयर में ओके तो ये वाला जो है है वो मेरा ट्रू है, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला अगर ट्रू है तो ये वाला भी ट्रू ही होगा मतलब कभी भी ए प्लस एच वाला जो रहेगा वो हमेशा एफ ऑफ e से बड़ा ही होने वाला है तो सबसे पहली बात ये मैंने कंक्लूड कर दी अपने इस डायग्राम की मदद से दूसरी चीज़ जो मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वो भी देखनी चाहिए अगर मैंने पहला ये कंपेयर किया तो पक्का है कि मैं दूसरा जो रहेगा वो एच माइनस ए माइनस एच से कंपेयर करने वाला रहूँगा सो लेट्स कंपेयर विथ ए माइनस एच तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ए माइनस एच जो है वो एक्स इजिकल्स टू ए से तो छोटा है मतलब एक्स इजिकल्स टू ए माइनस एच जो वैल्यू होल्ड करेगा वो पक्का है कि एक्स इजिकल्स टू ए के वैल्यू से हमेशा कम होगा तो मैं हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ ए है वो बड़ा होगा या फिर बरूबर होगा ओके बड़ा भी बोल सकते हैं अभी के लिए मैं किस में, में बड़ा लेकर के चल रहा हूँ क्यों क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये जो चीज़ है वो हमेशा इससे पीछे हो सकती है ओके ये मैंने मान करके चला हुआ है सो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ ऑफ ए जो है वो बड़ा होगा किससे एफ ऑफ ए माइनस एच से ओके तो हम यहाँ पर कंक्लूड क्या कर सकते देखिए कोई एक फंक्शन ए फंक्शन है उसमें ए की वैल्यू जो है वो किसी वैल्यू से छोटी है लेकिन कोई एक ऐसा भी वैल्यू है जिससे वो बड़ी भी है मतलब हमारा जो एक्स इजिकल्स टू ए है ओके स्टूडेंट जो हमारा एक्स इजिक्वल्स टू ए है अगर आप यहाँ पर क्लियरली मैंशन देखें तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखिए रॉन्ग कर दी है अगर आपने यहाँ पर ध्यान से सुना होगा तो आपको मालूम चल जाएगा लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत बार पाया स्टूडेंट देखते रहते वीडियो बट कंफ्यूज होते रहे फिर वो मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं ये वाला पॉइंट क्लियर क्यों क्यों क्योंकि आप अटेंशन नहीं रखते देखिए यहाँ पर मैंने ये रॉन्ग लिखा और मैंने बताया भी आपको और आपने सुन भी लिया देखिए मैंने ऑलरेडी हमेशा बोला स्टूडेंट को क्लियर करते हुए चले एफ ऑफ ए जो है ए जो है वो हमेशा ओके ए माइनस एच जो है वो हमेशा जो पॉइंट है वो लेस देन होगा किससे से ए से ओके okay, ये तो फिक्स है क्यों क्योंकि एक्स वैल्यू अगर ए माइनस एच है तो वो पक्की ये तो फिक्स है कि वो छोटा होगा एक्स इज इक्वल्स टू ए सी लेकिन मैं किसी फंक्शन में ए माइनस एच रख दूंगा ओके जो मैंने अभी ऊपर फंक्शन दिखा है खास करके ऊपर वाला किसी भी फंक्शन में नहीं जो मैंने ऊपर वाला फंक्शन दिखा हुआ है ऐसे बहुत सारे फंक्शन है ओके okay, अगर मैं इसकी एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू रखूँ ये बड़ी होगी किससे एफ ऑफ ए से ये कैसे हुआ सर देखिए ध्यान से ग्राफ देखिए अगर मैं एफ ऑफ ए माइनस एच की बात करता हूँ मतलब वो वैल्यू की बात करता हूँ वैल्यू की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली एकदम तरीके से एकदम अच्छी तरीके से मेंशन यहाँ पर आपको दिखते दिखा रहेगा देखिए ये जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एच है ये पॉइंट जो है ए माइनस एच है अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ ये वैल्यू वैल्यू निकालू कि ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू निकालो ये वाले पॉइंट पर तो वो हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच और अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालू तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ये इसको मैं मान लेता हूँ एक बार डैश ओके तो ये डेरिवेटिव नहीं है मैं डैश मान करके चल रहा हूँ ओके ये वालू एफ ऑफ ए निकालो तो वो एफ ऑफ ए माइनस एच से नीचे आ रही है नीचे आ रही है मतलब उसकी वैल्यू पक्का है कि कम होगी लेकिन एक्स के कंपेयर की बात करूँ वो पॉइंट के कंपेयर की बात करूँ तो एक्स जो है वो बड़ा है ओके तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से ये इस तरीके से ऐसा हमारा साइन आएगा ओके तो मतलब दोनों ही केस में हमारा एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो कम आ रही है मतलब जो फंक्शन जो हमारा वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों ही में कम है अगर आप ग्राफ भी देख ले तो ग्राफ से ही क्लियर हो जाता है ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको ग्राफ क्लियर है तो ओके अब हमें यहाँ से सीधे क्लियरली दिख रहा है कि एफ ऑफ ए यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वो इन दोनों से ही छोटा रहेगा कंपेयर देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ देखिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ओके ये हमारा ग्राफ था एक यहाँ पर वैल्यू थी एक यहाँ पर वैल्यू थी, थी और एक यहाँ पर वैल्यू थी तो क्लियरली मैंशन है ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट कुछ भी होने दो लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो दोनों के कंपेयर में कम ही आने वाली है क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स की ग्राफ है तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं ओके तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ए वाला पॉइंट है ओके जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो भी ग्राफ बनाता है जो हमारा ए वाला पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू ओके तो हम लोग ऐसा बोल देंगे कि एफ ऑफ एक्स ओके हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम ओके यही अभी मैं बता रहा था आपको फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू या फिर एफ ऑफ एक्स आप बोल सकते हैं कि एट दैट पॉइंट एक्स इजिकल्स टू है इट इज कॉल्ड एज द मिनिमा पॉइंट या फिर आप बोल सकते हैं एट एक्स इजिकल्स टू है फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू ओके तो आई होप आपका जो मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन गेट टू योर डाउट एंड क्लियर इट आउट ओके मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है मैक्सिमा ओके okay, मैंने मिनिमम के ऊपर बात कर लिया अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मैक्सिमा या फिर मैक्स मैं मान करके चल रहा हूँ ओके okay? ये भी बड़ा ही सिंपल है ज़्यादा हार्ड है नहीं देखिए एकदम वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूँ ये आपका हो गया ग्राफ एक्स एंड वाई एक्सिस ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस मान करके चल रहे हैं ये है आपका एक पर्टिकुलर तरीके का ग्राफ ओके okay? अब मैं मान करके चल रहा हूँ किसी भी तीन पॉइंट को ये आपका पॉइंट हो गया ओके okay? ये हो गया पॉइंट ए माइनस एच यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ओके okay? ये हो गया आपका ए और यही वाला पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एच यहाँ पर देखिए सीन पूरा का पूरा उल्टा है ये है कोई आपका एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ है ओके अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्वियस बात है ए जो है एक्स इजिकल्स टू ए की अगर मैं बात करूँ सो एट एक्स इजिकल्स टू ए मैं एक्स इजिकल्स टू ए की मैं बात कर रहा हूँ अगर एक्स इजिकल्स टू ए है वो छोटा होगा किससे ए माइनस एच से ओके आ, बड़ा होगा सॉरी ए माइनस एच से बड़ा होगा लेकिन ए माइन ए प्लस एच से छोटा होगा क्यों देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू सपोज दैट टू है और यहाँ पर पक्का होगा कि एक्स वैल्यू थ्री होने वाली है क्योंकि ये देखिए यहाँ से इससे बड़ा है ओके और यहाँ पर चलो मान लेते हैं वन होगा वन टू थ्री तो देख सकते हैं ए की वैल्यू जो टू है वो तो वन से बड़ा है लेकिन थ्री से छोटा है लेकिन ये तो हो गई किसकी बात ये तो हो गई कि एक्स की वैल्यू की बात कि एक्स जो है वो क्या होल्ड कर रहा है लेकिन जब भी एक्स की वैल्यू जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो वो देखिए सबसे ऊपर क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है की वैल्यू मतलब जब भी मैं फंक्शन में की वैल्यू पुट करूँगा वो सबसे ऊपर पहले प्रेजेंट है कैसे प्रेजेंट है चलो देख लेते हैं देखिए अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है आपको तो प्रॉपर तरीके से मतलब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू बड़ी होगी या फिर छोटी होगी तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं देखिए सपोज यदि आपका ग्राफ है यहाँ पर आपका ए माइनस एच यहाँ पर आपका ए प्लस एच और यहाँ वाला जो पॉइंट है वो था ए तो एक लाइन खींच लीजिए देख लीजिए कि इसकी वैल्यू सबसे ऊपर ये है एक्स इजिक्वल्स टू ए और ये है एक्स इजिक्वल्स टू ए माइनस एच या फिर ए प्लस एच देख लीजिए फंक्शन में सबसे ऊपर ये प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी सेम अगर मिनिमम वाले ग्राफ की कंपेयर करूँ ओके तो देखिए यहाँ पर ये वाला आपका था यहाँ पर एक्सेजिकल्स टू ए था यहाँ पर एक्सजिकल्स टू ए प्लस एच था ओके तो देख लीजिए यहाँ पर वो सबसे कम दे रहा था वैल्यू तो ये हो गया आपका मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम ओके तो यहाँ पर भी हम केस लिख सकते हैं जैसे कि हमने पुराने वाले केस में लिखा था कि जो हमारा एफ ऑफ ए जो है वो बड़ा है इससे बड़ा है मैं ए की वैल्यू नहीं बात कर रहा हूँ मैं एफ़ ऑफ़ ए की वैल्यू बात कर रहा हूँ मतलब कभी भी मैं फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करूँगा तो वो हमेशा मुझे ए माइनस एच से ज़्यादा ही देने वाला है वैल्यू और यहाँ पर भी अगर मैं एफ़ ऑफ ए की बात करूँ तो वो भी मुझे ज़्यादा देने वाला है ए प्लस एच के कंपेयर में तो एक्स की वैल्यू भले से ज़्यादा है ए के कंपेयर में लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू ज़्यादा है इन दोनों के कंपेयर में तो हमारे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए जो है वो हो, हो गया हमारा एफ़ ऑफ एक्स के लिए मिनिमम सॉरी मैक्सिमम ओके एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ओके तो हमारा एक्स इजिकल्स टू ए इस कॉलेज द मैक्सिमा ओके ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमा ऑफ ऑफ एक्स और ये हो गया हमारा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसी पर आएगी इतना आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा एकदम मैं डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ अगर आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वहीं से एकदम कम्प्लीट कराते हुए चलूंगा आपको एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन को कम्प्लीट एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे तो जरूर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ओके अब मैं मूव करता हूँ एक और नए टाइप के ग्राफ की तरफ अगर आपको नहीं मालूम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है देखिए सपोज मैंने यहाँ पर बना लिया है एक अपना वाई एक्सिस और यहाँ पर बना लिया है मैंने एक एक्स एक्सिस सो स्टूडेंट मेरा जो ग्राफ है ओके okay, जो मेरा इस पर्टिकुलर में ग्राफ अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ मेरा ये वाला ये एक ग्राफ है ओके okay? ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है ये हमारा एफ ऑफ एक्स अब मैं आपको यहाँ पर देखिए बताता हूँ ये वाला चलो मान लेते हैं कोई भी जो पॉइंट है वो है ये है ए तो इससे छोटा वाला पॉइंट पक्का होगा ये होगा आपका ए माइनस एच और यहाँ पर जो कोई पॉइंट है वो हो जाएगा आपका ए प्लस एच कुछ भी हो सकता है एच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अब ये मतलब यहाँ पर सर एच की वैल्यू अगर मैं सेम भी रखूँ तो ये दोनों ए के साथ आएंगे तो एच की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकती है वो एक अलग सा क्राइटेरिया बस इतना मानकर चलिए कि ये जो है वो ए से छोटा और ये वाला जो पॉइंट है वो ए से बड़ा है तो इस केस में अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर तो एफ ऑफ जो ए आएगा हमारा वो तो बड़ा है किससे बड़ा है ए माइनस एच से बड़ा ही है ओके तो एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है एक्चुअली तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है लेकिन अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ ए की ओके एफ ऑफ फंक्शन की ए की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि आपको दोनों की ही वैल्यू सेम आएगी क्यों सेम आएगी देखिए यहाँ पर जो है वो आएगा एफ ऑफ एके फंक्शन में जब मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू आएगी ये तो पॉइंट ए है इसका जो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा वो वाई पे रिफ्लेक्ट होगा वाई इजिक्वल टू एफ ऑफ ए तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा वाई और ये है आपका वाई एफ ऑफ ए प्लस एच ओके ये क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच इसके लिए भी सेम ही वाई आएगा देखिए मैं अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो इसके लिए भी सेम ही वैल्यू वाई ही रिटर्न होने वाली है मतलब दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे एफ ऑफ ए प्लस एच ओके तो ये भी एकदम सिंपल सा है इस पॉइंट पे भी हम लोग एक बात यहाँ पर बोल सकते हैं कि एट एक्स इजिक्वल्स टू एके एक्स इजिक्वल्स टू ए की अगर मैं बात करूँ तो वो मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है ओके okay, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज है देखिए यहाँ पर एक्स इजिकल्स टू ए मतलब एक्स इजिकल्स टू सपोज टू मान करके चल रहा हूँ यहाँ पर एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो चलो मान लेते हैं थ्री तो एक्स की वैल्यू तो डिफरेंट है लेकिन वो जो उस पॉइंट दोनों पॉइंट पर फंक्शंस की जो वैल्यू है वो दोनों ही सेम आएगी तो एट एक्स इजिक्वल्स टू ए फंक्शन हैज़ वॉट मैक्सिमा ओके फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ओके मैक्सिमम वैल्यू होगी और एट एक्स इज इक्वल्स टू ए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एट एक्स इज इक्ल्स टू ए ए इज़ अ मैक्सिमा अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको तो ये हो जाएगा गलत ओके okay? क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच पर भी मुझे यही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी अगर सपोज मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है ट्वेंटी ओके एफ ऑफ ए की वैल्यू रखने पर किसी भी फंक्शन में ए की वैल्यू ट्वेंटी मिल रही है और ए प्लस एच तीन रखने पर भी मुझे ट्वेंटी मिलेगी तो मैं ये नहीं बोल सकता ए इज इक्वल्स टू टू जो है वो मैक्सिमा रिप्रेजेंट मैक्सिमम है एट दैट पॉइंट ओके बट स्टूडेंट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जो पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू को होल्ड करेगा लेकिन ये नहीं बोल सकता है, वो जो पॉइंट है वो मैक्सिमम है तो ये मैं नहीं कंक्लूड कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स इज इक्वल्स टू वो जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है ओके तो डिफरेंस आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा तो मैंने तीनों केस यहाँ पर जो है वो कवर कर लिए हैं एक आ रहा था मिनिमा के लिए एक आ रहा था मैक्सिमा के लिए और एक जो हमारा नॉर्मल आ रहा था जो भी आपका एक पर्टिकुलर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा था तो आई होप यहाँ तक का जो मैंने अभी आपको बताया वो क्लियर हो हो गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एक और मैं यहाँ पर आपको क्लियर uh, कर देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए किसी भी सपोज दैट आपका एक फंक्शन है ओके okay? कोई भी एक फंक्शन है सपोज मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ओके प्लस टू ए एक्स कोई एक फंक्शन ओके चलो मैं मान लेता हूँ ये हमारा जो है वो फंक्शन है और इस फंक्शन को कभी मैं एफ डैश ऑफ एक्स बोलूँ ओके मैं बोलूँ कि इसका एफ डैश ऑफ एक्स सपोज आपका टू एक्स ओके टू एक्स प्लस टू ए है तो ये मान करके चला जो मैं आपका एफ डैश ऑफ एक्स लिख रहा हूँ ये डेरीवेटिव है और ये जो हमेशा डेरीवेटिव होता है कोई भी फंक्शन का अगर मैं एक बार डेरीवेटिव को लिखूँ तो वो एक्चुअली होता है आपका टेंजेंट ओके ये क्या होता है ये टेंजेंट आई होप आपको टेंजेंट तो मालूम ही होगा तो जब मैं कभी बोलूँ कि एफ डॉस एफ डैश अफेक्ट्स में लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ वो एक्चुअली टेंजेंट का है, कि एक इक्वेशन है तो ये भी इक्वेशन हो गया टेंजेंट का और ये अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेंजेंट का होता है टेंजेंट जहाँ पर भी आप किसी भी फंक्शन का निकालते हैं वो उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही आपका टेंजेंट बनता है अगर मैं पहले केस के लिए बनाऊँ ओके पहले केस के लिए मैं बनाऊँ जिसमें हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकल रही थी तो हमारा टेंजेंट यहाँ पर बनेगा ओके और हमेशा जो टेंजेंट बनेगा वो हमेशा नीचे रहेगा ओके सबसे नीचे जो रहेगा आप बोल सकते हैं डिप में वो रहेगा हमारा टेंजेंट सबसे पहले वाले केस में ओके जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू निकालना था या फिर जिसमें हमें मिनिमा मिला था अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था और हमें जो टेंजेंट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा और हमारा जो टेंजेंट रहेगा एट दी टॉप पे रहेगा ओके हमारा जो टेंजेंट रहेगा वो एट दी टॉप पर रहेगा इन केस ऑफ सेकेंड और अगर मैं इन केस ऑफ थर्ड की बात करूँ ओके इन केस ऑफ थर्ड की बात करूँ तो एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ओके okay, यहीं से हमारा जो है वो ग्राफ का जो है वो टेंजेंट चला जाएगा तो इस पॉइंट पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते कि टॉप पे है या फिर मिनिमम पे है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सबसे नीचे पे है लेकिन इस पॉइंट पर देखेंगे वो सबसे ऊपर है लेकिन अगर इस पॉइंट पर कहीं पर भी आप टेंजेंट को देख लीजिए वो सबसे हमेशा टॉप पर प्रेजेंट रहेगा किससे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू से ओके सो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक का जो है वो सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क आस्कोर डाउट मैंने तीनों चारों केस जो है वो पूरा मैंने कवर कर लिया है यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया टेंजेंट क्या होता है एवडाइस ऑफेक्ट्स क्या होता है कैसे आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा हम लोग बाद में देखेंगे लेकिन ये आपको मैंने क्लियर करा दिया कि maxima, है कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है फंक्शंस के रिस्पेक्ट में या फिर मैं बात करूँ आपके जो टेंजेंट है उन सब के मैंने बारे में बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम मैंने बता दिया आई होप आपने सब कुछ नोटी डाउन कर लिया होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे अपना कोर मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में होता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में क्या क्वेश्चन हम लोग और भी बहुत नई नई चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी सो नेक्स्ट वीडियो में मत करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सो so, इसके बाद हम लोग मिले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए को स्टडी और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके